ইন্দোরে কিংবদন্তি ক্রিকেটার মুস্তাক আলীর বাড়িতে কলকাতা টিভি কলকাতা টিভির প্রতিনিধি জয়জ্যোতি ঘোষের মুখোমুখি মুস্তাক পুত্র গুলরেজ আলী বিদেশের মাটিতে প্রথম শত রানকারী ভারতীয় ক্রিকেটার মুস্তাক ছেলের মুখে উঠে এলো বাবার অনেক অজানা কথা আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ইন্দোরে বিশেষ একজনের বাড়িতে যার বাড়িতে রয়েছে তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি বিদেশের মাটিতে শত রান করেছেন উনিশশো সাল ওল্ড ট্রাফোর্ড প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড

आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं सैद मुस्तकली को आ, जब मेरे फादर बारह तेरह साल के थे तो उनके दोस्त लोग थे तो उनके साथ खेलने जाते थे 1926 के अंदर कर्नल शी के नायडू नागपुर से इंदौर आए और फादर की खुशनसीब है कि वो हमारे घर के पास में ही आके रुके तो उनकी मोटरबाइक थी वो मोटरबाइक भी जाते थे और ये बच्चों को खेलते हुए देखते थे उसमें मेरे ग्रैंडफादर पुलिस के अंदर थे और उनके घर के सामने से नायडू साहब विश करते हुए जाते थे एक दिन नायडू साहब जा रहे थे विश करते हुए जा रहे थे फिर वापस लौट कर आए बोला खान साहब उनको खान साहब टाइटल मिल रहा था खान साहब याहूब अली तो ख़ान साहब मैं आपके बच्चे को मुश्ताक को मैं हैदराबाद लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पर एक मोहन उद्दोला टूर्नामेंट है तो ग्रैंडफादर अगर बना कर देते तो शायद हो सकता था क्रिकेट करियर ख़त्म हो जाता उन्होंने उनको उन्हों परमिशन दे दी और फर्स्ट टूर जो था वो उन्होंने पंद्रह साल की उम्र में कर्नल सीके नायडू साहब के साथ में हैदराबाद में किया और वहाँ पर उन्होंने ए, फादर बेसिकली ए, 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 एज ए बॉलर ए, इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए थे 1934 के अंदर लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स uh, थे और जब हैदराबाद खेलने गए तो उन्होंने उस टूर्नामेंट के अंदर हैट्रिक लिया तो सटलिफ हॉब्स और ये जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर बड़े बड़े इंग्लैंड के प्लेयर आए थे सब वो खेले थे वहाँ पे बिल्कुल और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कैलकाता कनेक्शन एक है सैद मुस्तकाली से और बहुत पसंद करते कोलकाता के लोग बहुत सारे प्रशंसक है कोलकाता में तो कैलका कनेक्शन जो है सैयद मुस्तक अली के साथ था वो कैसे बयां करेंगे फादर का कहना यह था कि जितना भी क्राउड है सुबह से भूखा प्यासा बैठा रहता है हजारों लोग बैठे रहते हैं पर उनको कुछ क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिकेट देखने को मिलता है तो वो बड़े खुश होते हैं यह कि एक बैट्समैन है और आपका सो बॉल के अंदर दस रन करता है तो वो बोलते हैं कि ये तो क्रिकेट के अंदर पर कोई जो दस बॉल के अंदर पचास रन करता है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं फादर का गेम क्या था कि वो हमेशा क्राउड के लिए खेले और क्राउड इनको इतना लाइक करता था कि एक बार 49, 50 फिफ्टी के अंदर सर्विस ऑस्ट्रेलियन सर्विस टीम आई थी उसके अंदर उनको ड्रॉप कर दिया और कैलकाटा की पब्लिक ने इतना हंगामा करा कि नो मुश्ताक नो टेस्ट दिलीप सिंह जी थे उस कमेटी के चेयरमैन थे तो पब्लिक ने उनको पूरा घेर लिया कि नहीं हमको तो मुश्ताक होना और फिर उनको इंक्लूड करा देन उस मैच के अंदर ही स्कोर रन वो क्या बोलते थे कि जो बटिंग क्रिकेटर्स था जो खेलते थे इंडियन जो खेलना चाहते हैं इंडियन टीम के लिए तो वो उनका क्या टिप्स उनका क्या सजेशन था कि क्या करना चाहिए क्या सजेशन देते थे वो तो बोलते थे कि जो नेशनल क्रिकेटर थे उसको नेशनल गेम ही खेलना चाहिए और उस उनके टाइम के अंदर ही ना टी ट्वेंटी था ना वनडे था ना कुछ था सिर्फ टेस्ट था एंड रंजी ट्रॉफी था और जो ओवरसीज टीमें आती थी ऑस्ट्रेलिया आती थी तो अनऑफिशियल टेस्ट होता था वेस्ट ऑस्ट्रेलिया uh, सर्विसेज टीम कहलाती थी वेस्ट इंडीज कॉमनवेल्थ कहलाती थी और एक दो टीमें न्यूजीलैंड की भी आती थी ऑफिशियल ये इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर वो नहीं है वो जो रिकॉर्ड के अंदर है वो जो आ, आपका ए, इनका फादर का सबसे बड़ा आ, टीम का ड्रॉबैक क्या रहा 1936 के बाद 1946 10 साल जो था ये वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर की वजह से इनका गेम नहीं हो और जो ऑफिशियल टेस्ट होते थे वो इंग्लैंड से ही होते थे उसके बाद 1948 के अंदर वेस्ट इंडीज आई फिर आपका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आई तो वो जो 10 साल उनका जो पीक टाइम था वो बड़ा खराब हो गया सैयद मुस्तक अलीर बाड़ी थे जॉय ज्योति घोष कोलकाता